हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया है फोर ईयर सीरीज और ये उसका लेक्चर सिक्स होने वाला है। अब तक हम लोग फोर ईयर सीरीज में 0.25 इस इंटरवल होने पर चार सम किए हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट सम है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड फोर ईयर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इन 0.25 फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया है फॉर द इंटरवल 0 to 0 to π और 2π - x ये दूसरा एफ ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन दिया फॉर द इंटरवल π to 2π, यानी कि फंक्शन ये एफ ऑफ एक्स जो मेन फंक्शन वो क्या हुआ है, स्प्लिट हुआ है। किस वैल्यू पे स्प्लिट हुआ है, पाई इस वैल्यू पे स्प्लिट हुआ है। 0 to π पे फंक्शन की वैल्यू x और π to 2π पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2π - x, यानी कि ये स्प्लिट टाइप के फंक्शन के ऊपर आया हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है। आगे क्या पूछा है, हेंस डिड्यूस दैट π⁴ / 96 इज इक्वल टू 1/1 to the power 4 प्लस 1/3 to the power 4 प्लस 1/5 to the power 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो जब भी प्रूव दैट में बड़े वाले नंबर आ जाते हैं तो हम लोगों को क्या यूज़ करना होता है, पार्सेवल्स आइडेंटिटी यूज़ करना होता है। सबसे पहले हम लोग तो फाइंड आउट करेंगे फूरियर सीरीज। तो देखो ये आंसर है, यहाँ से आंसर के लिए शुरुआत कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन में मैंशन कर दूंगा टू फाइंड फूरियर सीरीज फॉर द विच फंक्शन, वो लिख दूंगा मैं टू फाइंड फूरियर सीरीज। ये स्प्लिट वाला फंक्शन है तो इतना ही लिख देता, टू फाइंड फूरियर सीरीज इन 0.25। तो फूरियर सीरीज 0.25 इस इंटरवल पे कैसे दी जाती है वो लिख दूंगा मैं, एज वी नो, ठीक है। एज वी नो फूरियर सीरीज फॉर द इंटरवल 0.25 इज गिवन बाय लाइक दिस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में क्या आएगा a₀ प्लस यहाँ पर आएगा an समेशन कॉस nx और प्लस bn देकर क्या लिखेंगे हम लोग, समेशन साइन एन एक्स लिखेंगे। समेशन कैसा रहेगा, एन इक्वल टू 1 to ∞ होगा और समेशन में एन इक्वल टू 1 to ∞ ये लिखना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अभी हम लोगों को निकालना है a₀। तो a₀ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि फूरियर कोएफिशिएंट कहते हैं a₀ को। फूरियर कोएफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2π इंटीग्रल 0 to 2π, यहाँ पर रहेगा एफ ऑफ एक्स और लास्ट पर रहेगा dx। इतना क्लियर है। लेकिन ये फंक्शन 0.25 का के अंदर 0.25 के अंदर पाई इस वैल्यू पे स्प्लिट हुआ, तो इसके कारण हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 0.25 इस टोटल इंटरवल को 0.5 पे स्प्लिट करना होगा, यानी कि 0.5 लिखा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस अभी क्या पाई से लेकर 2π तक और यहाँ पर रहेगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इतना क्लियर हो गया। 1/2π जो भी अंदर का इंटीग्रल उसको इंटू है ना, तो अंदर वाला इंटीग्रल तो हम लोगों ने सेपरेट किया पाई पे ब्रेकिंग वाले पॉइंट पर, ठीक है। तो 1/π, 2π, 1/2π ये अंदर किए हुए दोनों इंटीग्रल को कैसे रहेगा, मल्टीपल ही रहने वाला है। और ये जो ऊपर का कर्ली ब्रैकेट से कर्ली लाइन से जो भी अंडरलाइन किया इंटीग्रल है ना, वो उसको हम लोगों ने स्प्लिट किया नीचे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके आगे 1/2π तो ये एडिट रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। 0 to π के इंटीग्रल लिमिट होने पर एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या लेना होगा, देखो क्वेश्चन से पता चल जाएगा। 0.5 पे फंक्शन क्या आया है, एक्स आया है ना, तो 0.5 इस इंटरवल पे हमें फंक्शन क्या लेना होगा, x लेना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, x आगे का dx। सिमिलरली आगे भी क्या लिखना होगा, π to 2π ये इंटरवल होने पर एफ ऑफ एक्स का मेंशन करना होगा, 2π - x ये मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2π - x लिखा, राउंड ब्रैकेट में लिख देता हूँ, आगे का ये dx और यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर रहे थे इसके कारण ब्रैकेट डाला, x का इंटीग्रेशन रहेगा x²/2 राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा, प्लस 2π - x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2π - x का होल स्क्वायर अपॉन 2 और ये और जो ब्रैकेट के अंदर आया उसका फिर से अगर इंटीग्रेशन होता है तो क्या हो जाएगा, सॉरी उसका ब्रैकेट के अंदर आया उसका फिर से अगर डेरिवेटिव होता है तो क्या होगा, 2π का डेरिवेटिव 0 और -x का डेरिवेटिव रहेगा अपॉन में -1, ठीक है। तो ये प्लस के आगे लिखे हुए फंक्शन का ये रहेगा इंटीग्रेशन की करके आया हुआ वैल्यू, उसको भी राउंड ब्रैकेट में लिख देता हूँ और उसके लिमिट क्या रहेंगे, यहाँ पर पाई से लेकर 2π रहेंगे और पहले वाले इंटीग्रल जो किया है उसका लिमिट क्या रहेगा, 0 to π रहेगा और यहाँ पर कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर है। अभी क्या करना है हम लोगों को, ये 1/2π बाहर का बाहर ही रखा, पहला जो इंटीग्रल लिमिट है वहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट की वैल्यू जब 0 होगी तो एक्स 0 है तो कोई टर्म आएगा ही नहीं, यानी कि सिर्फ पहले वाले इंटीग्रल लिमिट पे सिर्फ पाई की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज अपर लिमिट की वैल्यू पुट करनी है, वो कितनी आएगी, π²/2 आ जाएगी। इतना क्लियर हो गया। देखो 2 × -1 - 2 होता है, ठीक है। तो लेकिन ये नेक्स्ट जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट उसको एक अलग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट डाला, पहले आएगा अपर लिमिट यानी कि एक्स की जगह पर आएगा 2π,
टू पाई माइनस टू पाई वैल्यू हो जाएगी जीरो, तो अपर लिमिट पहला नहीं आएगा तो ये जीरो लिखा, माइनस माइनस का ब्रैकेट, और फिर लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी एक्स की जगह पे आएगा पाई, टू पाई माइनस पाई सिंगल पाई रहेगा, अपॉन का ये माइनस टू, यानी कि और सिंगल पाई जो रहेगा उसका क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा, ठीक है, ऊपर स्क्वायर होने वाला है, यानी कि पाई स्क्वायर और नीचे अपॉन का माइनस टू, ये ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में ये बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या रहेगा, वन अपॉन टू पाई एज इट इज़, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस पाई स्क्वायर बाय टू रहेगा, ये पाई स्क्वायर बाय टू प्लस यहाँ से भी पाई स्क्वायर बाय टू, बेस सेम टर्म है ना डिनोमेटर में, बेस सेम है, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा फिर टू पाई स्क्वायर बाय टू हो जाएगा, टू पाई स्क्वायर बाय टू यानी कि ओनली पाई स्क्वायर रहेगा, तो वन अपॉन टू पाई इन टू पाई स्क्वायर, ठीक है, तो पाई और ये पाई स्क्वायर एक पाई कैंसिल, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा पाई बाय टू, पाई बाय टू इज द वैल्यू ऑफ ए ज़ीरो, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसी तरीके से अभी हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है, ए एन इस फूरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है। ए एन फूरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालते वक्त फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो ए एन के लिए ए एन इज इक्वल टू वन अपॉन पाई इंटीग्रल जीरो टू टू पाई एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर ए एन है ना तो यहाँ पर साइड में क्या लेना होगा, कॉस एन एक्स देना होगा, और लास्ट में रहेगा डी एक्स, इतना क्लियर है। लेकिन द गिवन फंक्शन इज स्प्लिट ओवर द वैल्यू पाई, तो इसके कारण अंदर वाले फंक्शन को हम लोग स्प्लिट कर देंगे, जिसको वन अपॉन पाई कैसे रहने वाला है इनटू होने वाला, तो इसके कारण वन पर पाई के बाद स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, ओपनिंग ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, इंटीग्रल इंटीग्रल लिमिट जीरो टू पाई, उसके बाद ये एफ ऑफ एक्स आएगा, बाजू का कॉस एन एक्स एज इट इज़, और लास्ट में डी एक्स, प्लस अभी क्या इंटीग्रल पाई टू टू पाई एफ ऑफ एक्स फिर से आएगा, फिर यहाँ पर भी कॉस एन एक्स लिखना होगा, लास्ट में डी एक्स, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में फूरियर सीरीज में सिर्फ सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन ध्यान दो, सिंप्लीफिकेशन अगर एक भी जगह पे गलत हो जाता है तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। वन अपॉन पाई ये स्क्वायर ब्रैकेट डाला, इंटीग्रेशन अब तक हुआ नहीं तो ये जीरो टू पाई एज इट इज लिखना होगा, एफ ऑफ एक्स जीरो टू पाई वैल्यू होने पर, यानी कि जीरो टू पाई इंटीग्रल लिमिट की वैल्यू होने पर फंक्शन क्या था एफ ऑफ एक्स, एक्स था, तो एक्स बाजू में क्या कॉस एन एक्स और उसके बाजू में डी एक्स, प्लस पाई टू टू पाई इंटीग्रल लिमिट होने पर फंक्शन क्या था टू पाई माइनस एक्स था, तो ये टू पाई माइनस एक्स लिखा ब्रैकेट क्लोज, और बाजू में क्या लिखा कॉस एन एक्स और उसके भी बाजू में आएगा डी एक्स आएगा, फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वन अपॉन पाई वो कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा, वन अपॉन पाई अभी इंटीग्रेशन करना है तो ये कर्ली ब्रैकेट डाला, वन अपॉन पाई के बाद कर्ली ब्रैकेट डाला, पहला इंटीग्रेशन इसको कर देते हैं, जो भी अंडरलाइन किया ना पहले उसका इंटीग्रेशन कर देते बाय जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि लेफ्ट टू राइट जो भी पहला आएगा वो मेरा यू रहेगा, और यानी कि एल आई ए टी ई, एल आई ए टी ई में लेफ्ट टू राइट इस ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट जो भी पहला था वो तो अपना यू कंसिडर करना होता है, तो एक्स क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन, कॉस क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ए पहले आता है यानी कि एक्स को क्या लेना होगा यू लेना होगा, ठीक है, तो जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो पहले एक्स की वैल्यू लिखी, एक्स लिखा, कॉस का करना होगा इंटीग्रेशन, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या रहेगा सिंपली साइन होगा, तो साइन एन एक्स अपॉन में आएगा एन, अपॉन में एन क्यों, क्योंकि एन एक्स का अगर फर्दर डी रेड्यूस होता है तो वैल्यू क्या बचेगी एन बचेगी ना, तो कंपोजिट फंक्शन का फर्दर डी रेड्यूस होता है तो उसको अपॉन में लिखना होता है, अपॉन में एन लिखा, एक्स साइन एन एक्स बाय एन, फिर माइनस दो, माइनस के बाद ब्रैकेट दो, एक्स का डी रेड्यूस होगा वन, ये वन लिखा, डॉट साइन का इंटीग्रेशन क्या रहेगा माइनस कॉस एन एक्स, और एन एक्स का फर्दर डी रेड्यूस एन बचेगा, यहाँ पे ऑलरेडी अपॉन में एन है तो वो एन इंटू एन एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, वन का डिरेड्यूस होगा जीरो, तो जीरो जीरो के आगे अगर कॉस का इंटीग्रेशन भी कर दो तो वैल्यू जीरो रहने वाली, यानी कि पहला अंडरलाइन किया हुआ इंटीग्रेशन यहीं पे खत्म हो जाता है, यहाँ पे फिर इसको ब्रैकेट कर डाल दिया, और पहले इंटीग्रल जो किया है उसके लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट टू पाई लिखा, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट केस में अभी कौन किसका इंटीग्रेशन करना है, ये जो अंडरलाइन किया ना इसका इंटीग्रेशन करना है, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला यूज़ करना होगा, यानी कि देखो एल आई ए टी ई लियर ये रूल होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ यू डॉट वी, अगर जब भी इंटीग्रेशन आता है ना तो ये वाला पॉइंट हमारे दिमाग में आना चाहिए, एल आई डी लॉगरिथमिक होता है, ये इनवर्स होता है, ये एल्जेब्रिक होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, ये एक्सपोनेंशियल होता है, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जो भी पहला फंक्शन आता है उसको यू कंसिडर करना होता है, तो टू पाई माइनस एक्स इज द एल्जेब्रिक और कोस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये एल्जेब्रिक पहले आ रहा है यानी कि टू पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा हमारा एल्जेब्रिक हो जाएगा, यानी कि वो यू कंसिडर करना होगा, ठीक है, तो जनरल रूल ऑफ अगर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं प्लस के बाद एक दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसके कारण दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट देने की जरूरत पड़ी, यू पहले लिखना है एज इट इज़, दैट इज़ टू पाई माइनस एक्स, या एज इट इज़ लिखा, यू लिखने के बाद जो वी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या रहेगा सिंपली साइन एन एक्स अपॉन एन रहेगा,
माइनस माइनस ब्रैकेट जो u आया था उसका डेरिवेटिव कर रहे, 2π का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा माइनस 1 रहेगा लिखा डॉट, अभी क्या साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या रहेगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन में n आएगा, माइनस कॉस एन एक्स लिखा अपॉन में n आ रहा है लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर अपॉन में n था तो क्या हो जाएगा वो एन स्क्वायर हो जाएगा राउंड ब्रैकेट क्लोज, माइनस 1 का फर्दर डेरिवेटिव होगा 0, माइनस 1 का फर्दर डेरिवेटिव 0 होने के कारण कॉस का अगर भले इंटीग्रेशन आता है लेकिन वो 0 के साथ इंटू होने के कारण वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी कि जो सेकेंड वाला इंटीग्रेशन था वो हमारा यहीं पे क्लोज हो गया, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट सेकेंड वाले इंटीग्रल की लोअर लिमिट पाए और अपर लिमिट 2π, और ये बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट जिसको बाहर का 1/2π कैसे था इंटू था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग अपर लिमिट और लोअर लिमिट अपने अपने रिस्पेक्टिव स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या कर देंगे साइन सिंप्लीफिकेशन की स्टेप कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये एक्स साइन एन एक्स ही रहेगा अपॉन एन, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस साइन और ये माइनस साइन प्लस लिख दिया, और उसके बाद में क्या रहेगा कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, उसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि उसकी लिमिट अलग है, वो उसकी लिमिट क्या है 0 to π थे, पाई यहाँ पर गलती से 2π आया था, 0 to π लिमिट होनी चाहिए थे, ठीक है 0 to π होल लिमिट होनी चाहिए थी, देखो 0 to π था ना, तो यहाँ गलती से 2 लिखा था 0 to π कर दिया, प्लस क्या आगे वाला पार्ट अभी प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 2π माइनस एक्स अपॉन एन बाजू में उसके साइन एन एक्स, ठीक है 2π माइनस प्लस हो गया प्लस इंटू अगेन माइनस के साथ इंटू होता है तो सेंटर में माइनस ही रहने वाला है, कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज लोअर लिमिट पाई अपर लिमिट 2π और ये बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट पहले ठीक से नहीं आया था बाद में ठीक से बनाना बनाया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो अभी 1/π बाहर का कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट पहले अपर लिमिट एक्स किसकी जगह पे क्या जाने वाला है एक्स की जगह पे पाए, यहाँ पर साइन एन पाई दिखाई देगा, साइन के साथ पाया था तो वैल्यू 0, कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 to the power n होती है, सॉरी n होती है -1 to the power n, ये किसकी वैल्यू हो गई कॉस एन पाई की वैल्यू अपॉन का एन स्क्वायर एज इट इज, ये हो गया अपर लिमिट पुट करके, यही पर अभी माइनस दिया माइनस के बाद ब्रैकेट दिया, अभी एक्स की जगह पर जाने वाला है 0, एक्स की जगह पर 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म 0, यहाँ पर एक्स की जगह पर 0 हो जाएगा तो कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, 1/n² रहेगा, ये 1/n² रहेगा राउंड ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया पहले वाले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर कर पहले वाले टर्म के लिए, अभी प्लस के आगे फिर से एक ब्रैकेट, पहले तो अपर लिमिट लिखेंगे यानी कि एक्स की जगह पर 2π यूज़ करना होगा, देखो ये साइन एन एक्स है यहाँ पर एक्स की जगह पर 2π आएगा तो ये सारा वैल्यू 0 हो जाएगी, कॉस की जगह कॉस 2nπ दिखाई देगा ना, कॉस 2nπ की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, तो क्या बचेगा यहाँ से सिर्फ -1/n² बचेगा, ये 2π - x एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक है अपर लिमिट पुट करके हो गया सेकेंड वाले स्क्वायर ब्रैकेट में, अभी माइनस माइनस के साथ ब्रैकेट एक्स की जगह पर जाने वाला पाई, यहाँ पर साइन एन पाई दिखाई देगा, साइन के साथ पाया तो वैल्यू 0, ये वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, यहाँ पर क्या दिखाई देगा एक्स की जगह पर पाया जाएगा तो कॉस एन पाई, कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी है -1 to the power n होती है लेकिन उसके पहले ये आया हुआ माइनस साइन, तो क्या रहेगा -1 to the power n और अपॉन का एन स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ब्रैकेट का यूज़ ठीक से देखना, फिर क्या रहेगा नेक्स्ट स्टेप में 1/π ये कर्ली ब्रैकेट अंदर वाले स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, फिर क्या रहेगा -1 to the power n अपॉन एन स्क्वायर -1/n² ये हो रहेगा -1/n² माइनस माइनस प्लस -1 to the power n अपॉन एन स्क्वायर और ये कर्ली ब्रैकेट, देखो डिनोमीटर में एन स्क्वायर तो कॉमन है तो क्या रहेगा 1/π ब्रैकेट डाला -1 - 1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा -2 प्लस 2 times of -1 raised to n अपॉन में कितना रह रहा है एन स्क्वायर रह रहा है, इतना क्लियर है। न्यूमरेटर से हम लोग किसको बाहर ले सकते हैं -2 को बाहर ले सकते हैं, क्या कहा न्यूमरेटर से हम लोग -2 को कॉमन बाहर ले सकते, तो -2 बाहर ले लिया अपॉन में ये पाई एन स्क्वायर लिखा और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा -2 बाहर लिया तो ये +1 हो जाएगा, -2 बाहर लिया तो इधर माइनस रहेगा और -1 to the power n² ब्रैकेट क्लोज, ये वैल्यू किसकी हो गई हमारी ए एन की डी वैल्यू हो गई, इतना क्लियर हो गया। अभी इसी तरीके से सेम कंसेप्ट यूज़ करके हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बी एन की वैल्यू निकालनी है, तो बी एन की वैल्यू निकाल लेते हैं एंड बी एन के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा 1/π इंटीग्रल 0 to 2π f(x) और यहाँ पे क्या आएगा साइड में साइन एन एक्स आएगा और लास्ट में क्या लिखना होगा डी एक्स,
ठीक है, लेकिन जैसे कि गिवन फंक्शन पाई इस वैल्यू पे स्प्लिट था, तो उसके कारण क्या करना होगा, वन अपॉन पाई लिखना होगा, फिर वन अपॉन पाई लिखने के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट, इंटीग्रल लिमिट 0 to π एफ ऑफ एक्स, स्प्लिट किया हुआ है ना, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन को स्प्लिट करना होगा ओवर द वैल्यू पाई साइन एन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल पाई से लेकर 2π तक जाएगा अभी, और यहाँ पर आएगा एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हो गया? अभी 0 to π इस वैल्यू इंटीग्रल लिमिट फंक्शन कितना दिया था, x दिया था, और π to 2π इस इंटीग्रल लिमिट पे एफ ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन कितना दिया था, 2π - x दिया था। जैसे कि ये फंक्शन इनिशियली स्प्लिट वाली वैल्यूज पे है ना, देखो यहाँ पर ये फंक्शन दिखा देता हूँ मैं एक बार, ऐसा फंक्शन था 0 to π पे क्या था, x था, और π to 2π इस इंटीग्रल लिमिट पे 2π - x था। ठीक है, इतना क्लियर है? तो यही वैल्यू मैं यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स 0 to π पे x लिखेंगे, और फंक्शन एफ ऑफ एक्स π to 2π पे क्या लिखेंगे, 2π - x ऐसा लिखना होगा। लेफ्ट साइड पे तो बी एन तो लिखना ही होगा, तो लेफ्ट साइड पे बी एन लिखा इज इक्वल टू 1 upon π था, ब्रैकेट था, इंटीग्रेशन 0 to π था, इंटीग्रेशन 0 to π लिखने का एफ ऑफ एक्स यानी कि एक्स, बाजू में साइन एन एक्स डी एक्स रहेगा, प्लस अभी इंटीग्रल π to 2π एफ ऑफ एक्स क्या था, 2π - x था, बाजू में साइन एन एक्स लास्ट में डी एक्स, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अगेन यूजिंग जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना है, यानी कि 1 upon π बाहर आए दैट इज, ये करली ब्रैकेट, जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये करली ब्रैकेट बना देता हूँ, इंटीग्रेशन कर रहे तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट डाला, पहले एक्स एज इट इज़, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन में एन आएगा, -2 - ब्रैकेट 2, एक्स का डिरेटिव कितना 1 लिखा, ये माइनस साइन एज इट इज़ लिखा, ये वाला माइनस साइन एज इट इज़ लिखा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, साइन, साइन एन एक्स अपॉन में फिर से एन आएगा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एन था, तो ये एन स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, 1 का फर्दर डिरेटिव 0 हो रहा है, तो ये इंटीग्रेशन यहीं पर रुक जाता है, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, पहला वाला इंटीग्रल कंप्लीट हो गया, तो उसके लोअर लिमिट 0 और उसका अपर लिमिट पाए, इतना क्लियर है? फिर ये आगे का प्लस साइन, दूसरे वाले फंक्शन का यानी कि दूसरे वाले इंटीग्रेशन का हम लोग दूसरे वाले जो पार्ट है ना इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो उसके कारण एक स्क्वायर ब्रैकेट डाला, 2π - x इज ए पार्ट ऑफ u, तो 2π - x एज इट इज पहले लिखा एज ए u, साइन का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, माइनस कॉस होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस में आएगा, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन में एन आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? ये डॉट है, इस वैल्यू से ये माइनस नहीं है, यहाँ पर डॉट है, डॉट इनटू माइनस साइन है, फिर -2 - ब्रैकेट 2, 2π - x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2π का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा -1, तो ये -1 लिखा यहाँ पर, डॉट दिया, ये माइनस साइन एज इट इज लिखा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन होता है, तो उसके पहले ये माइनस आया हुआ, कॉस का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन, साइन एन एक्स अपॉन में फिर से एन आएगा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एन था, तो ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, दूसरे वाले इंटीग्रल का कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि -1 का फर्दर डेरिवेटिव कितना होता है, 0, तो ये जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन आगे एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो यानी कि यही तक था वो, तो उसके लोअर लिमिट पाए दूसरे वाले इंटीग्रेशन के, और अपर लिमिट कितना, 2π, और यहाँ पर एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट दे दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को पहले साइन सिंप्लीफिकेशन के स्टेप करेंगे। ठीक है, स्क्वायर साइन सिंप्लीफिकेशन यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म्स को साइन एडजस्ट करने, ये 1 upon π बाहर, कर्ली ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर एक्स डॉट माइनस है तो वो माइनस आगे लिखा, एक्स अपॉन एन दिया, बाजू में क्या लिखा, कॉस एन एक्स, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, 0 to π। नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस के आगे क्या रहेगा, प्लस, ये माइनस साइन आगे जाएगा तो माइनस साइन आगे लिखा, 2π - x अपॉन एन डॉट कॉस एन एक्स, दो बार माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, उसके आगे माइनस यानी कि सेंटर में माइनस ही रहेगा, साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट पाए, अपर लिमिट 2π, और बाहर का बड़ा सा एक कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट के अंदर ये मुझे क्या करना होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है, ये रहेगा 1 upon π, ये कर्ली ब्रैकेट, एक्स की जगह पे पाई जाने वाला है, तो कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 to the power 1 होती है, एन होती है, सॉरी, कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 to the power n होती है, एक्स की जगह पे पाई, तो ये -π दिखाई देगा, -1 to the power n दिखाई देगा, अपॉन में n रहेगा, साइन के साथ पाएगा तो वैल्यू 0,
अभी एक्स की जगह पर जाने वाला जीरो, तो एक्स यहाँ पर एक्स की जगह पर जीरो आ रहा है, तो सारा टर्म जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, यानी कि पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट में अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने पर इतनी वैल्यू आई। अब ये प्लस आगे वाले स्क्वायर ब्रैकेट के बारे में सोचते हैं, जहाँ पर एक्स की जगह पर टू पाई पुट करूँगा तो टू पाई माइनस टू पाई वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो पहला वाला टर्म जीरो। साइन में एक्स की जगह पर टू पाई आएगा तो ये भी साइन टू पाई टू एन पाई दिखाई देगा, उसकी वैल्यू जीरो। यानी कि दूसरे वाले केस में अपर लिमिट पुट करने पर पहला टर्म क्या आ रहा है, जीरो, माइनस दिया, माइनस के बाद ब्रैकेट दिया। अभी एक्स की जगह पर पुट करें हम लोग पाई, टू पाई माइनस पाई कितना होगा, सिंपल पाई रहेगा, पाई के आगे माइनस साइन, ये माइनस साइन लिखा, कॉस एन पाई दिखाई देगा, कॉस एन पाई की वैल्यू होती है माइनस वन टू द पावर एन होती है, या अपॉन का एन। यहाँ पर एक्स की जगह पर अगर पाई आएगा तो साइन एन पाई दिखाई देगा, साइन एन पाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि दूसरा टर्म इधर ही क्लोज हो गया, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये माइनस और ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि वैल्यू क्या रहेगी, वन अपॉन पाई कर्ली ब्रैकेट के अंदर माइनस पाई माइनस वन टू द पावर एन अपॉन एन, माइनस माइनस प्लस हो गया, पाई माइनस वन टू द पावर एन अपॉन एन। ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म कैसे प्लस और माइनस साइन में, और प्लस और माइनस साइन फॉर द सेम टर्म क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है, यानी कि बी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर जीरो हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। अभी देखो बी एन की वैल्यू जीरो होगी, ए एन की वैल्यू आ चुकी है और ए जीरो की वैल्यू भी आई थी, तो हम लोग क्या करेंगे, देयर फोर फूरियर सीरीज गिवन बाय, फिर गिवन एज ऐसा लिखना होगा, देयर फोर फूरियर सीरीज इज, फूरियर सीरीज फॉर द गिवन फंक्शन इज गिवन एज, फूरियर सीरीज फॉर गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन स्प्लिट वाला था, इतना याद रखो, देयर फोर फूरियर सीरीज फॉर गिवन फंक्शन इज गिवन एज, इज रिटन एज फॉलोज, इज रिटन एज फॉलोज, ऐसे लिख देते हैं, रिटर्न एज फॉलोज, रिटर्न एज फॉलोज। तो पीछे क्या होता था, एफ ऑफ एक्स होता था, एफ ऑफ एक्स अपना स्प्लिट वाला है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहेगा ना, लेफ्ट साइड में कौन सा लिखेंगे, तो जनरली हम लोग एफ ऑफ एक्स ही लिख देंगे। ए जीरो की वैल्यू, ए जीरो की वैल्यू क्या आई थी, पाई बाई टू आई थी, तो ये पाई बाई टू लिखा, प्लस ए एन की वैल्यू, लेकिन ए एन की वैल्यू लिखते वक्त अगर उसमें एंथ वाले टर्म है तो एन वाले टर्म कहाँ पे होना चाहिए, वो समेशन के अंदर होने चाहिए, ठीक है, समेशन के अंदर वाले टर्म में एन वाले टर्म्स होने चाहिए। देखो अपना ए एन ये आया था ना, माइनस टू अपॉन पाई एन स्क्वायर वन माइनस ऑफ माइनस वन टू द पावर एन, तो एन वाले टर्म कौन सा, ये ब्रैकेट के अंदर आया हुआ और ये अपॉन का एन स्क्वायर, उसको कहाँ पर लिखना है, समेशन के अंदर लिखना है, बाहर क्या लिखेंगे, माइनस टू बाय पाई लिखेंगे, तो फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ, माइनस टू अपॉन पाई लिखा, और एन वाले टर्म कहाँ पर जाएंगे, समेशन के अंदर जाएंगे, एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी रहेगा, ऊपर क्या लिखना होगा, वन माइनस माइनस वन टू द पावर एन, उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, अपॉन में रहेगा ये एन स्क्वायर आएगा, ये एन स्क्वायर आएगा, और इनके बाजू में क्या लिखना है, कॉस एन एक्स लिखना है, इतना क्लियर है। और बी एन तो आया ही नहीं था, जो बी एन जीरो आया था देखो यहाँ इधर, तो इसके कारण फूरियर सीरीज में आगे का टर्म नहीं आएगा, इतना क्लियर हो गया। इसके आगे आगे हम लोग इसको जनरलाइज टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जनरलाइज करते हैं तो कैसा होगा, एफ ऑफ एक्स लिखा पीछे, पाई बाय टू लिखा, प्लस को ये माइनस साइन ओवरराइड करेगा तो माइनस टू बाय पाई लिखा, ठीक है, ब्रैकेट डाला, जनरलाइज करना यानी कि एन की वैल्यू कितनी लेनी, वन लेनी है, अगर एन की वैल्यू वन लेता तो ये तो क्या होगा, कॉस एक्स दिखाई देगा, एन की वैल्यू वन है तो माइनस वन टू द पावर वन माइनस वन माइनस ऑफ माइनस टू, ऊपर क्या रहेगा, टू रहेगा, अपॉन वन स्क्वायर है ना, तो ये वन स्क्वायर, और यहाँ पे बाजू में कॉस एक्स, अभी एन की वैल्यू होगी टू, एक अगर एन की वैल्यू टू होती तो माइनस वन का पावर स्क्वायर करता हो तो प्लस वन, प्लस वन माइनस वन कैंसल, ये जीरो हो जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा, फिर अभी एन की वैल्यू कितनी लेंगे हम लोग, थ्री लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर प्लस टू अपॉन थ्री स्क्वायर कॉस थ्री एक्स दिखाई देगा, ठीक है, यानी कि इवन टर्म के लिए तो सीरीज इवन टर्म आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगी, सीरीज में इवन टर्म आएगा नहीं, क्योंकि देखो माइनस वन टू द पावर फोर लेते तो प्लस वन, वन माइनस वन जीरो, तो अपॉन का फोर स्क्वायर अगर रहते कोई मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ यानी कि और वाले टर्म के लिए ही ये सीरीज एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, तो ये फाइव स्क्वायर कॉस फाइव एक्स ऐसा लिख सकते हैं, अप टू ये जाएगा इन्फिनिटी। इस स्टेप से हम लोग न्यूमरेटर का सीरीज के अंदर आया, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टू है जो है उसको भी बाहर ले सकते हैं, ठीक है, तो यानी कि सीरीज कैसे बनेगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस फोर अपॉन पाई, और ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म दैट इज कॉस एक्स अपॉन वन स्क्वायर प्लस कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस कॉस फाइव एक्स अपॉन फाइव स्क्वायर, ठीक है, प्लस अप टू इन्फिनिटी, दिस इज रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज फॉर द गिवन फंक्शन, या ऐसे ही लिख देता हूँ, दिस इज रिक्वायर्ड फूरियर
सीरीज। इसके बाद हम लोगों को एक प्रूव दैट वाला पार्ट था, और प्रूव दैट वाले पार्ट में क्या पूछा था, देखो पाई टू द पावर 4/96 पूछा था ना, इज इक्वल टू 1/1^4 प्लस 1/3^4 प्लस 1/5^4, ऐसा पूछा। तो ऐसा जब भी आता है तो हम लोगों को क्या यूज़ करना होता है, पार्सेवल्स आइडेंटिटी यूज़ करना होता है। तो हम लोग पार्सेवल्स आइडेंटिटी इन द इंटरवल 0.2π का फॉर्मूला मेंशन कर देंगे, यानी कि लिख देंगे। वो सेम फॉर्मूला हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियोज़ में भी यूज़ किया था, ठीक है। तो अभी देखो, पार्सेवल्स आइडेंटिटी इन द इंटरवल 0.2π इज गिवन एज फॉलोज, वाला स्टेटमेंट में लिख देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर पार्सेवल्स आइडेंटिटी इन द इंटरवल 0.2π ये स्टेटमेंट ऑलरेडी लिख दिया है। वो देखो स्टेटमेंट कैसा होता है, लेफ्ट साइड में 1/2π इंटीगल 0 to 2π f(x) का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू a02 प्लस हाफ समेशन n इक्वल टू 1 to ∞ an² प्लस bn² एक ब्रैकेट में। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, a लिख देते हैं, ठीक है। पार्सेवल्स आइडेंटिटी का मैं लेफ्ट साइड पार्ट वाला कंसिडर कर लेता तो वो क्या हो जाएगा, 1/2π इंटीगल 0 to 2π f(x) का होल स्क्वायर dx। लेकिन f(x) जो कहाँ पे देखो सीरीज में क्या लिखा है, इंटीगल 0 to 2π लिखा है ना, लेकिन अपना दिया हुआ फंक्शन स्प्लिट था, किस वैल्यू पे स्प्लिट था, 0 to π इस वैल्यू पे स्प्लिट था, यानी कि पाई पे ऊपर स्प्लिट था। तो उसके कारण इस इंटीग्रल को भी मुझे क्या करना होगा, स्प्लिट करना होगा ओवर द वैल्यू पाई। तो उसके कारण चेंजेस ऐसे हो जाएंगे, पाई टू लेकर पाई आ जाएगा सेकेंड इंटीग्रल के लिए, और ये फंक्शन वाला पार्ट सेम रहेगा, दैट इज f(x) होल स्क्वायर dx। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में अपने रिस्पेक्टिव इंटरवल पे जो फंक्शन दिए उसकी वैल्यू पुट करनी होगी। देखो 1/2π एज इट इज़, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 0 to π ये वाला इंटीगल लिखा, f(x) कितना था, इंटीग्रल लिमिट 0 to π पे x था, और x का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या लिखना होगा मुझे यहाँ पर, सिंपली x² लिखना होगा और dx प्लस इंटीग्रल π to 2π। f(x) कितना था, π to 2π इस इंटरवल पे 2π - x था, देखिए 2π - x लिखा और उसका स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली dx लिखेंगे, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करना होगा, इसका सिंपली इंटीग्रेशन करना है, और उसका इंटीग्रेशन करने के बाद उनके रिस्पेक्ट टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने होंगे। ये 1/2π ये कर्ली ब्रैकेट डाला, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3 हो जाएगा, x² का इंटीग्रेशन x³/3, राउंड ब्रैकेट डाला, लोअर लिमिट 0 रहने वाला, अपर लिमिट पाई होने वाला, प्लस 2π - x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2π - x³ और नीचे 3 आएगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो आया उसका फिर से डिरेड्यूस होगा, तो 2π का डिरेड्यूस 0, माइनस एक्स का डिरेड्यूस -1, ठीक है। ये यहाँ पर किया, राउंड ब्रैकेट डाला, लोअर लिमिट पाई, अपर लिमिट 2π, और ये बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में अपने रिस्पेक्ट टू लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पे पुट करने, पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और दूसरे वाले बी ब्रैकेट के अंदर। तो 1/2π बाहर का एज इट इज़, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर ब्रैकेट डाला, एक्स की जगह पर क्या जाने वाला है, पाई, तो ये क्या रहेगा, π³ रहेगा। लोअर लिमिट अगर 0 पुट कर दो तो कोई चेंजेस नहीं होने वाले, सिर्फ तो क्या रहेगा, ओनली π³/3 रहेगा, वो लिख दिया, ठीक है। प्लस अगेन फिर से एक्स, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, एक्स की जगह पे जाने वाला है 2π, तो 2π - 2π वैल्यू 0, 0³ 0 रहेगा, तो सब कुछ अपर लिमिट वाला टर्म आएगा 0, माइनस दिया, माइनस के बाद ब्रैकेट दिया, ये माइनस है, 2π - π सिंगल पाई, π³ हो जाएगा, वो π³ हो जाएगा, और अपॉन में कितना है, -3 है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस क्या होने वाला है, वो अंदर प्लस होने वाला है, यानी कि ऐसा रहेगा टर्म 1/2π, अंदर क्या टर्म आएंगे, π³/3, अगेन π³/3, ठीक है। तो ये π³/3 क्या हो जाएगा, 2π³/3 हो जाएगा, ठीक है। 1/2π लिखा, 2 times π³/3, तो 2 गेट कैंसिल, π³ था अपॉन में पाए, तो ये कैंसिल क्या रहेगा, π²/3 हो जाएगा, π²/3, ये वैल्यू किसकी आई, LHS की आई, ये वैल्यू किसकी आई, LHS, पार्सेवल्स आइडेंटिटी का LHS वाला पार्ट आया, जिसको हम लोगों ने लिखा यहाँ पर लेटर बी लिखा, ठीक है। लेटर ए में पार्सेवल्स आइडेंटिटी मेंशन की है यहाँ पर, जिसका LHS हम लोगों ने सॉल्व किया तो कितना आया, वो π²/3 आया। अभी RHS सॉल्व करेंगे, एंड RHS लिखा, RHS क्या होता है, a² प्लस हाफ समेशन n=1 to ∞ है, फिर ब्रैकेट के अंदर an² प्लस bn² और bn तो 0 था अपना, तो a0 कितना आया था, a0 आया था π/2 आया था, तो π/2 लिख देता हूँ, π/2 का स्क्वायर किया, प्लस हाफ लिखा, प्लस समेशन n=1 to ∞ लिखा, an क्या आया था, an आया था -2/π अपॉन में n² था,
एन की वैल्यू लिखनी है यहाँ पर, कॉस एन एक्स नहीं डालना है, ए एन की वैल्यू -2/πn² और ब्रैकेट के अंदर क्या थी, 1 -(-1)^n ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, ऐसा था ना, ये एन का वैल्यू था, ये स्क्वायर क्या ए एन का स्क्वायर, यानी कि इसको ये ए एन लिखा हम लोगों ने राउंड ब्रैकेट में, इस राउंड ब्रैकेट में ए एन की वैल्यू लिखी फिर उसका स्क्वायर कर दिया, इतना क्लियर हो गया। बी एन तो जीरो था तो उसका स्क्वायर करने का कोई मतलब है ही नहीं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग देखो, इधर ये π/2 था ए जीरो का वैल्यू, तो उसका स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, ये π²/4 +½ समेशन एन इक्वल टू 1 to ∞ लिखा, -2 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा 4, पाई था अपॉन में उसका स्क्वायर करने पर कितना होगा π² अपॉन में एन स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर होता है तो n^4 हो जाएगा। ब्रैकेट में ब्रैकेट का टर्म डायरेक्टली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना उसका स्क्वायर दिखाने के लिए, तो उसका सिंपली ऐसा लिख देते, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट ये हो गया अपना कौन सा वाला पार्ट, सी वाला पार्ट, चलो RHS वाला पार्ट है पार्सेवल्स आइडेंटिटी सीरीज का, RHS वाला पार्ट, उसको RHS लिख दिया, उसको और एक स्टेप बना देता हूँ। और एक स्टेप यानी कि कैसे, π²/4 प्लस ये हाफ लिखा, 4/π² इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट वाले टर्म समेशन के लेफ्ट साइड में होने चाहिए, तो ये 4/π² को समेशन के आगे लिखा, समेशन डाला, n इक्वल टू 1 to ∞ है और समेशन के अंदर क्या रहेगा, 1 -(-1)^n, इसका भी रहेगा स्क्वायर अपॉन में आएगा n^4, ठीक है। यहाँ पे सी लिख देता हूँ, सी ऊपर नहीं वहाँ पर, देखो लास्ट में जो सी इक्वेशन बनाया है वो किसके लिए बनाया है, पार्सेवल्स आइडेंटिटी का राइट साइड वाला पार्ट है और पार्सेवल्स आइडेंटिटी का लेफ्ट साइड वाला भी पार्ट हम लोगों ने लिखा था। तो फ्रॉम ए बी एन सी, फ्रॉम ए बी एन सी हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो फ्रॉम ए बी एन सी दिस एल एच एस यानी कि π²/3 दिस वैल्यू कैन बी इक्वेट विद π²/4 प्लस हाफ इंटू 4/π² समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 to ∞ 1 -(-1)^n सबका होल स्क्वायर अपॉन n^4 इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम द पार्सेवल्स आइडेंटिटी, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम क्या लिखा, पार्सेवल्स आइडेंटिटी वी गेट, देयरफॉर फ्रॉम पार्सेवल्स आइडेंटिटी वी गेट क्या रहेगा, LHS आया हुआ π²/3 इक्वल टू π²/4 प्लस हाफ था इंटू 4 था अपॉन में π² था समेशन n इक्वल टू 1 to ∞ था, और क्या था ये टर्म देखो, 1 -(-1)^n ब्रैकेट के अंदर ये स्क्वायर अपॉन n^4, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये π²/4 है लेफ्ट में जाएगा तो क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा, π²/3 -π²/4 रहेगा इक्वल टू, ऊपर 4 है नीचे 2 है तो ऊपर 2π² रहेगा, ये ब्रैकेट डाला, समेशन है, समेशन सीरीज को मैं ओपन कर देता हूँ यानी कि एक्सपेंड कर देता हूँ n की वैल्यू 1 लेकर, अगर n की वैल्यू 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, -1^1 माइनस ही रहेगा, 1 -(-) +2 हो जाएगा, 2 और 2 का स्क्वायर करते हो तो कितना हो जाएगा 4, 4 अपॉन कितना का 1^4 रहेगा, अगर n की वैल्यू 2 लेता हूँ तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, यानी कि इवन वाले केस में ये आएगा ही नहीं, तो ऊपर कितना आएगा 4 होगा, नीचे 3^4, नेक्स्ट क्या होगा 4/5^4 प्लस क्या होगा 4/7^4 प्लस क्या होगा अप टू इन्फिनिटी, क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 4 लेता हूँ, -1^4 +1, ये +1 और ये सेंटर में माइनस आगे का 1 कैंसिल होकर 0 आएगा ना, यानी कि इवन वाले टर्म के लिए सीरीज का कोई भी नंबर नहीं आने वाला। लेकिन अगर n की वैल्यू में 3 लेता हूँ तो -1^(-3)⁻ देगा, 1 -(-1)+1 यानी कि 1+1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो इसके कारण ऊपर 4 लिख दिया और नीचे ऑड नंबर लिख दिया सिंपली, इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 4π² -3π² क्या हो जाएगा, क्रॉस में π²/12 हो जाएगा, π²/12 लिखा और ये 2π² है, 2π² लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या होगा इंटू हो जाएगा, यानी कि π² ऊपर और 2 नीचे, राइट साइड में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया हुआ 4 अगर हम लोग बाहर लेते तो वो 4 बाहर ले लिया, राइट साइड में क्या बचेगा 1^4 +1/3^4 +1/5^4 +1/7^4 +2 ∞, ठीक है। नेक्स्ट केस में लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, π² × π² π^4
12 2024, और इस 24 को, ये जो 4 अगर हम लोग लेफ्ट साइड में लेते हैं, नीचे नीचे आएगा ना वो, तो कितना हो जाएगा 24 × 4 दैट इज 96 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या रहेगा, यही तो सीरीज में प्रूव दैट करना पूछा था ना हम लोगों को लास्ट में, जो कि हो गया, ठीक है। यानी कि अगर बड़े सम्स आते हैं प्रूव दैट में या फिर डिड्यूस दैट वाले पार्ट में, उस केस में हम लोगों को पार्सेवल्स आइडेंटिटी यूज़ करना होता है। इसके आगे क्या लिख सकता हूँ मैं, हेंस प्रूफ ये पूछा था। सेम कंसेप्ट के ऊपर अभी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए दो होमवर्क के सम दे रहा हूँ, आप लोग उसको ट्राई करो। अगर ट्राई करने नहीं आए तो उसका मैं अलग से प्रैक्टिस प्रॉब्लम 0.25 का एक अलग से इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में लेकिन हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे टू फाइंड फूरियर सीरीज इन द इंटरवल -π/2π, ठीक है। तो अभी के लिए इस सेम कंसेप्ट के ऊपर, यानी कि फूरियर सीरीज इन द इंटरवल 0.25 होने पर, दो मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सम यहाँ पर दे रहा हूँ, वो आप लोग ट्राई करो। नहीं आता है तो उसका मैं अलग से उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिस सम जो मुझे देने हैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे, दो क्वेश्चन मुझे यहाँ पे देने हैं ना होमवर्क के, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। वो क्या है, फाइंडिंग फूरियर सीरीज या फिर टू फाइंड फूरियर सीरीज इन द इंटरवल 0.25। फंक्शन अलग अलग हो गए। फंक्शन देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम लिखा है, फाइंड द फूरियर सीरीज फॉर f(x) इज इक्वल टू 3x² - 6x π + 2π² / 12 इन 0.25। हेंस डिड्यूस दैट π² / 6 इज इक्वल टू 1/1² + 1/2² + 1/3² + up to infinity, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, और उसके बाद आया हुआ क्वेश्चन क्या दिख रहा है, फाइंड द फूरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर f(x) इज इक्वल टू √1 - cos x इन 0.25। हेंस डिड्यूस दैट 1/2 इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 to infinity 1/4n² - 1, ठीक है। ये प्रैक्टिस सम दी है, आप लोग इसको ट्राई करो। अगर ट्राई नहीं भी होती तो इसका मैं प्रैक्टिस सॉल्यूशन निकाल कर आपको प्लेलिस्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे टू फाइंड फूरियर सीरीज इन द इंटरवल -π/2π, ठीक है। तब तक के लिए अगर यहाँ पर आज सीखे प्रॉब्लम या फिर कंसेप्ट में कहीं पर भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना, और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, टेक केयर।